your English class with your teacher Monica and Krish here. So how was your day? अच्छा रहा? और subjects कैसे चल रहे हैं? बढ़िया? और English? English तो भाग रही होगी. चलिए आज हम क्या करेंगे? आज का हमारा chapter है writing skills. अब ये writing skills क्या होता है? Writing skills वो हैं जो हमारी day to day life में हम use करते हैं. अब वो या तो कोई किसी को हम कभी लेटर लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं. अब पहले तो लोग चिट्ठियां लिखते थे, आजकल चिट्ठियों का हिसाब अलग हो गया. पहले पोस्ट की जाती थी, आजकल हम ईमेल्स करते हैं. पर लेटर तो लिखनी ही पड़ती है ना. या फिर कभी हमें कोई स्टोरी लिखने का दिल कर जाए तो स्टोरीज लिखते हैं. अच्छा, कईयों की आदत होती है रोज का डेली रूटीन लिखने की, वो अपनी डायरीज लिखते हैं. अच्छा, नोट्स लिखे जाते हैं. और क्या लिखा जाता है? एसेज लिखे जाते हैं, है ना. और अब ये सब जो चीजें होती हैं, ये क्या होता है? जब आपको सारी ग्रामर आ जाती है, आप में एक स्किल्स आ जाते हैं. वो क्या स्किल्स हैं? वो है राइटिंग स्किल्स, है ना. और वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं. जब आपको सब कुछ आता है तो आप कुछ भी लिख सकते हो जो आपके दिल में है. आपको बहुत मजा आता है हर चीज लिखने का. अब कहानियां आप अपने दिल से लिख सकते हैं, ऐसे किसी के ऊपर लिखना है वो भी किसी टॉपिक पे लिख सकते हैं, स्टोरीज बनानी आ जाएंगी आपको. अच्छा, फिर लेटर लिखना तो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, है ना. तो आज हम उन्हीं राइटिंग स्किल्स को थोड़ा सा और इम्प्रूव वे में सीखेंगे कि कैसे हमें करना है. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट. यूज द गिवन क्लूज टू राइट एन एसे टाइटल्ड माय मॉम. ओके, इन्होंने कहा है कि आपको एक एसे लिखना है. एसे किस पे लिखना है? आपने एसे लिखना है अपनी मदर पे, माय मॉम. अब उसमें इन्होंने क्या दिया है, क्या क्या पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है एसे लिखते समय? एसे लिखते समय आपको ध्यान देना है कि आपकी मदर का नाम क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी नेचर कैसी है, यानी कि वो कैसा सोचती हैं, क्या वो एडवेंचरस हैं, क्या वो बहुत ही शांत किस्म की हैं, बहुत केयरिंग है, या फिर बहुत स्ट्रिक्ट है, या फिर इतनी इजी गोइंग है कि शी इज लाइक अ फ्रेंड टू यू. अब उनका डेली रूटीन क्या है वो लिखना है आपने इसमें. हर चाइल्डहुड, उनके बचपन की बातें कुछ आपको पता हो, मम्मा ने कभी आपसे शेयर करी हो तो वो भी डाल सकते हैं इसमें. हाउ यू स्पेंड योर टाइम विद हर, आप अपना टाइम अपनी मम्मा के साथ कैसे बिताते हैं, उनसे क्या बातें करते हैं, क्या खेलते हैं, उनसे क्या सीखते हैं. हॉबीज एंड टैलेंट्स, अब हर किसी की मम्मा में कोई तो खास बात होती है. शी इज अ मैजिक वुमन, इजंट इट. तो वो जो मैजिक वुमन के पास मैजिक वैंड होती है, उससे वो सब कुछ कर लेती है, सारे काम कर लेती है. कौन सा ऐसा काम है जो मम्मा नहीं कर सकती, है ना. तो वो आपको बताना है कि उनका क्या टैलेंट है, उनके क्या हॉबीज हैं. फेवरेट्स, अब उनके क्या फेवरेट है, कभी पूछा आपने अपने मम्मा से? आज घर जाके यही काम करना है. आज घर जाके पता है क्या करना है? मम्मा से सारी बातें पूछनी है. जब सारी बातें पूछ लोगे ना, फिर उनका एक एसे बना के लिखना है और कल क्लास में आके अपने टीचर्स को दिखाना है. उनके फेवरेट्स, जैसे उनका कौन सा कलर फेवरेट है, उनको कौन सा खाना खाना पसंद है, और वो कहाँ घूमने जाना चाहती है, वो हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है उनकी, उनको कोई बुक्स रीड करना पसंद है कि नहीं, उन्हें गाने सुनने पसंद है कि नहीं, उन्हें कौन सी फिल्म्स पसंद है, क्या वो स्टोरीज पढ़ना चाहती हैं. ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें उनके बारे में इकट्ठी करनी है. और जब ये सब चीज़ें इकट्ठी कर लोगे, पॉइंट्स में लिख लेना पहले. जब इनको इकट्ठा करके पॉइंट्स में आप लिख लेंगे, फिर इससे रिलेट करके आप उसे एसे बनाएंगे. बहुत ईजी है उसमें. आप पहले आपने ये लिखना है कि माई मदर नेम इज सो एंड सो, हर एज इज दिस मच. ठीक है, ऐसे ज्वाइन करते जाएंगे सेंटेंसेस और वो एक एसे का फॉर्म में आ जाएगा. और आप ये एसेज की एक असिस्टेंट टीचर्स एक वर्ड लिमिट भी तय कर सकते हैं कि हाँ 150 वर्ड्स में बच्चा लिख के रहा है. तो इट विल बी समथिंग लाइक कि दे कम टू नो कि हाउ दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द गिवन पैटर्न. 150 वर्ड्स बोले कि उतने में ही ऐसे लिखना है, या 200 वर्ड्स बोले उसमें ऐसे लिखना है. ठीक है, तो ये बेटा बहुत इजी है. आपने आज का आपका काम यही है कि अगर आप अपनी मम्मा को अभी अच्छे से नहीं जानते हैं, कई बार आपने ये पूछी नहीं कई बातें इसमें से अपनी मम्मा से, लेकिन आज रात को जब खाना खा के आराम से मम्मा के पास सोओगे ना, मम्मा से सारी बातें पूछनी है.
मम्मा आपको क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या ड्रेस पसंद है, क्या कलर पसंद है, कौन सी मूवी देखनी अच्छी लगती है, गाने देख सुनने अच्छे लगते हैं या मूवीज देखनी अच्छी लगती है, या कौन सा सीरियल देखते हो आप ज्यादातर, ठीक है। तो कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ योर मदर एंड राइट अबाउट योर मदर एज एन एसे। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अच्छा इस क्वेश्चन में एक और है, ये ऐसे आप जो लिख रहे हैं इसे थोड़ा क्रिएटिव बना सकते हैं। क्रिएटिव ऐसे बना सकते हैं, अपने मम्मा का एक फोटो बनाइए, वहां पर फोटो बनाइए और नीचे मम्मा का ऐसे लिखिए, है ना, या फिर फोटो बनाइए, नहीं बना सकते तो फोटो है तो वो चिपकाइए और उसके बाद आप नीचे पूरा अपनी मम्मा के बारे में ऐसे लिखिए, सुंदर सा प्यारा सा सजा के, और आसपास डेकोरेशन कीजिए और फिर मम्मा को गिफ्ट कीजिएगा वो, मैंने आपके बारे में ये सब लिखा है मामा, just have a look on it, I have written it myself। चलिए next question पे चलते हैं, it is exercise B। Now the exercise B has a story in it। It is the use the sequence of pictures and the clues given below to write a story in your own words। So जो first था वो हमारा essay हो गया, इससे की बात कर ली हमने, अब जो नेक्स्ट है वो हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टोरी की। ओके, अब इन्होंने नीचे पिक्चर्स दिए हमें, सिक्स पिक्चर्स, और उनके नीचे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं जो कि हैं वॉलेट, विजिटिंग कार्ड, एड्रेस, रिटर्न, रिवॉर्ड, ठीक है। अब ये जो है क्या है, वॉलेट क्या होता है, वॉलेट होता है पर्स जो मैन यूज करते हैं। विजिटिंग कार्ड क्या होता है, विजिटिंग कार्ड वो होते हैं जिसपे किसी के एड्रेस लिखे हो, किसी के बारे में लिखा हो, उसका पूरा डिटेल लिखा होता है कि भी हाँ ये इस एड्रेस पे रहता है, ये इनका प्रोफेशन हो। और रिटर्न वापिस करना, रिवॉर्ड उनको उसके बदले क्या अवार्ड मिला, क्या प्राइज मिला। अब क्या है, फर्स्ट ब्लॉक अगर आप ध्यान से देखेंगे अपनी बुक्स खोल के, उसमें फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखता है कि एक बॉय है वो जा रहा था और उसे रास्ते में एक वॉलेट गिरा हुआ मिला। अब उसने क्या किया, वो वॉलेट उठाया, उस वॉलेट के अंदर खोल के देखा तो उसे वहां विजिटिंग कार्ड मिला। अब उसने विजिटिंग कार्ड जब देखा तो उस पर एड्रेस पढ़ा, जब एड्रेस पढ़ा तो वो उस एड्रेस पे पहुंच गया। उस एड्रेस पे पहुंच के उसने डोर बेल बजाई, डोरबेल बजाई, अंदर से एक और अंकल आए, बाहर अंकल आए तो उनको उस बच्चे ने वो वॉलेट दे दिया। अंकल बहुत खुश हुए क्योंकि वो उनका वॉलेट था, और फिर अंकल ने उसके बदले में उसको पैसे रिवॉर्ड कितने दिए। सो बेसिकली आप ये पिक्चर को देख देख के ऐसे एक एक लाइन सेंटेंस में बनाते जाएंगे और उस पिक्चर को एक्सप्लेन करते जाएंगे। आप इसमें इस बच्चे का भी कोई नाम रख सकते हैं, ठीक है, और इसको आप अपने तरीके से एक कहानी के फॉर्म में लिखते जाएंगे। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप करिए अपने टीचर्स की हेल्प से, ठीक है। पिक्चर्स को देखिए, उसको समझिए और उसको आप अपने सेंटेंसेस में बनाकर लिखिए। और मैं असिस्टेंट टीचर से ये भी कहूँगी कि आप ऐसी और पिक्चर, यू नो, पिक्चर एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं कुछ और। कुछ और पिक्चर्स ऐसे पिक करके उनको एक सीक्वेंस में लगा के स्टूडेंट्स को दे सकते हैं एज एन एक्सरसाइज, ताकि उनकी और प्रैक्टिस हो अलग अलग किस्म की स्टोरीज लिखने की, रैदर देन राइटिंग वन स्टोरी दे कैन राइट डिफरेंट स्टोरीज आल्सो। सो दिस विल बी अ प्रैक्टिस ऑफ अ स्टोरी राइटिंग। फाइन, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके, नाउ हियर कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट, लेटर्स। व्हाट आर लेटर्स, ठीक है, अब हमारा लेटर्स की बात होगी। लेटर, ठीक है, ऐसे पढ़ा, स्टोरी पढ़ी, अब क्या करेंगे, लेटर। चलिए, और अब हम लेटर के लिए यहां लिखते हैं लेटर। लेटर बोले तो चिट्ठी, है ना, चिट्ठी लिखते हैं, खत। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर्स। अब लेटर्स कितने तरीके के होते हैं, लेटर्स होते हैं दो तरीके के, ध्यान से सुनना इसको। एक होता है फॉर्मल लेटर,
formal letter और एक होता है informal letter. ठीक है, formal and informal letter. अब formal letter क्या होता है? Formal letter, we write formal letters to convey official information. Formal letters are written to government offices, school, colleges, etc. to make a complaint or a request. आपको कह रहा है formal letter क्या होता है? कहता है formal letters जो होते हैं, they are basically official. Official message convey करने के लिए, official messages के लिए. ठीक है? ऑफिशियल मैसेज कन्वे करने के लिए होते हैं. वो आप स्कूल के लिए लिख सकते हैं, कॉलेज एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस. ठीक है, तो दिस इज अ फॉर्मल लेटर. और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? जो हम लिखते हैं अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को. ठीक है, अब आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर तो लिखा जाता है ऑफिशियल पर्पस से, जिसमें कहीं आपको बड़ा सोच समझ के हर चीज मेंशन करनी होती है, वो ऑफिशियल लेटर होता है. इनफॉर्मल का मतलब कि वो कुछ भी हो सकता है, हंसी मजाक भी लिखो, अपने बारे में लिखो, कुछ भी लिखो. और वो किसको लिखा जाता है ज्यादातर? वो अपने दोस्तों को लिख सकते हो आप, अपने रिलेटिव्स को लिख सकते हैं. तो वो होता है क्या? इनफॉर्मल लेटर. चलिए अब आगे चलते हैं. ये हम फॉर्मेट सीखते हैं अब फॉर्मल लेटर का. पहले फॉर्मल लेटर में इन्होंने देखिए यहाँ दिखाया है, रीड द लेटर राधा रोट टू हर प्रिंसिपल आस्किंग फॉर 2 days लीव. एक राधा नाम की लड़की है, उसने लीव लेटर लिखा है 2 days की लीव का. और वो फॉर्मल लेटर जो लिखा है 2 days की लीव का उसके बारे में है, और वो लीव एप्लीकेशन है बेसिकली. ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, वी आर गोइंग टू राइट अ लीव एप्लीकेशन. लीव एप्लीकेशन क्या है ये लीजिए, लीव एप्लीकेशन. ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे पहले यहां पर देखिए. अब इसमें सब कुछ हमारा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है फॉर्मल लेटर में. राधा पहले नाम लिखा जाएगा जो लेटर भेज रहा है उसका, राधा कुमारी हाउस नंबर लिखेंगे. मैं पहले लिख देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ.
चलिए ठीक है, पहले मैं इतना समझाती हूँ आपको ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि फिर टाइम बीतते पता नहीं चलता है, तो टाइम का भी ध्यान रखना है हमें। पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, जो भेजता है, ठीक है। तो जो भेजता है उसका एड्रेस कहाँ आता है, सबसे ऊपर, वो क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, वो हमेशा यहाँ लिखा जाता है ऊपर, ठीक है। और फिर हमारी आती है क्या, उसके बाद डेट, उसके बाद आती है हमारी डेट, और फिर हमारा आता है किसको हमने वो लेटर भेजा है, यानी कि प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं तो रिसीवर्स एड्रेस आएगा, द रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस। और फिर हमारा क्या आएगा, डियर सर, डियर मैडम, रिस्पेक्टेड सर, इसे क्या कहते हैं, सैल्यूटेशन, इसे कहते हैं सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन। और फिर हमारा क्या आता है नीचे, सब्जेक्ट, किस बारे में लिख रहे हैं हम सब्जेक्ट। अब इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा, सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, किसको चिट्ठी भेजी जा रही है, किसको चिट्ठी भेजी जा रही है। और फिर आती है हमारी डेट, उसके बाद क्या आता है, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे आप, स्कूल का एड्रेस आएगा जिसको भी वो चिट्ठी भेजी जा रही है। अभी यहाँ पर क्या आया, पहले हमारा आया सेंडर्स एड्रेस, यानी जो भेज रहा है, पहले उसका एड्रेस, फिर डेट आएगी हमारी, फिर आएगी रिसीवर्स एड्रेस, वो किसी ऑफिस का भी हो सकता है, स्कूल का भी हो सकता है, कॉलेज का भी हो सकता है। फिर आएगा, इसे कहते हैं सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन किसे कहते हैं, डियर मैडम, डियर सर, है ना, ऐसे लिखना हो तो उसको क्या कहते हैं, सैल्यूटेशन। और फिर क्या आता है उसके बाद, उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब किस बारे में हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, चिट्ठी किस बारे में लिखी जा रही है। सब्जेक्ट का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा लीव एप्लीकेशन, या मैंने कहा फॉर द पेमेंट ऑफ द फीस, है ना, या फिर एनी डिस्प्यूट इन द कॉलेज, उससे रिलेटेड कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट हमारा आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को, इतने को पहले आप समझ लीजिए, अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आप लेटर के बारे में लिखेंगे। आप जो लिखेंगे वो जो पैराग्राफ आएगा सब्जेक्ट के बाद, जैसे सब्जेक्ट लिख लिया आपने यहाँ पर, सपोज ये सब्जेक्ट है लीव एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, ठीक है, ये सब्जेक्ट है हमारा। इसके बाद हम बॉडी कॉपी लिखते हैं, वो होगा जैसे हम लिखते हैं दिस इज टू रिक्वेस्ट आई माई सेल्फ स्टडिंग इन दिस क्लास ब्ला ब्ला ब्ला, रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट, टू ग्रांट लीव, अच्छा। तो अब पहले आपने सब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे जो बॉडी कॉपी होती है, बॉडी ऑफ द लेटर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी ये बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी जिसमें आप अपनी वजह लिखेंगे, किस वजह से आप छुट्टी चाहते हैं या कुछ भी, ठीक है, बेसिकली दिस इज द बॉडी कॉपी, ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर। अब उसके नीचे क्या आएगा, उसके नीचे आएगा आपका थैंक्स कहना, ठीक है, नीचे हम लिखेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली, राधा कुमारी, कुमारी। और इसको हम क्या बोलते हैं, थैंक यू और योर्स ओबीडियंटली, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना रहेगा, कॉम्प्ली मेंट्री क्लोज कर दिया, ठीक है। और यहां पर सिग्नेचर है नेम सेंडर का,
पहले आपने समझ लिया था एड्रेस वगैरह जो हमने ऊपर किया, अब उसके बाद जब सब्जेक्ट आता है उसके बाद हम लिखते हैं क्या वजह है हमारी लेटर लिखने की, और उस वजह को जो हम 4-5 लाइनों में एक्सप्रेस करते हैं उसको कहते हैं बॉडी कॉपी, द बॉडी ऑफ द लेटर। और फिर जब खत्म करते हैं उसको तो लास्ट में हम थैंक्स करते हैं, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग ऑफ योर लेटर। तो थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, कुछ भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ योर सेल्फ बिकॉज यू आर राइटिंग द लेटर, और उनका सिग्नेचर एंड सेंडर सीन। दिस इज द फॉर्मल लेटर, दिस इज द वे यू पीपल राइट अ फॉर्मल लेटर, फाइन। इसको आप समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। अब आपको आपके टीचर्स कोई और टॉपिक भी दे सकते हैं जो कि फॉर्मल लेटर के लिए हो, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। चलिए अब मैं नेक्स्ट करवा देती हूँ आज, बिकॉज टाइम कम है, तो लेट्स डू द डायरी राइटिंग। डायरी एंट्री क्या होता है? इन अ डायरी एंट्री वी ऑलवेज राइट द डेट एंड टाइम, वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स विदाउट इनहिबिटेशंस। मैंने आपको पहले बताया था डायरीज क्या लिखने का होता है, अभी आप लोग लिखते भी होंगे कई बच्चे, है ना, डेली रूटीन में। उसमें क्या होता है, रीड द डायरी एंट्री दैट जया रोट अबाउट हर डे एट स्कूल। अब जया एक लड़की है, उसने अपनी डायरी एंट्री लिखी है जो उसने दिन भर स्कूल में किया, और उसने कैसे लिखा है चलिए देखते हैं। पहले उसने लिखा किस दिन वो लिख रही है, तो उसने लिखा जैसे फ्राइडे, फ्राइडे। अब उसकी इसने क्या लिखी, फ्राइडे की डे 8 सितंबर, और कितने बजे वो डायरी लिख रही है, वो उसने लिखा 8:30 PM, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है कि आप पहले दिन मेंशन करेंगे, टाइम भी मेंशन करेंगे और डेट भी मेंशन करेंगे, फिर अपना लिखना शुरू कर देंगे कि यस माय डियर डायरी, टुडे व्हाट आई हैव डन, आई प्लेड, आई वेंट टू अ फ्रेंड्स हाउस, है ना, आई एट पेस्ट्रीज एंड डोनट्स। अब इसके बाद बॉडी कॉपी शुरू कर दी, टुडे आई ब्ला 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 ब्ला, और लास्ट में क्या लिखेंगे, जया जिसने डायरी लिखी है, ओके। अब ये डेली रूटीन में आप ला सकते हैं डायरी लिखना अपना, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप लोग सीखेंगे कि कैसे लिखा जाता है डायरी में, बड़े आराम से आपने ये चीज को प्रैक्टिस करना है। अब इसमें आप कुछ भी लिखेंगे जो आपने दिन में किया, आप आज खेले, या आपने आज न्यू फ्रेंड्स बनाए, या आपके मम्मा ने डांटा, या किसी टीचर ने डांटा, कुछ भी आप डायरी में एंट्री कर सकते हैं उस दिन की, पूरे दिन की एक्टिविटीज में से कुछ भी। सो दैट इज नोन एज अ डायरी एंट्री, ठीक है। और अब इसमें उन्होंने क्या किया है कि जो ये डायरी एंट्री जया की बताई है उसमें देखो उसने क्या बोला है, टुडे आई हैड टू राइट द वोकैबुलरी टेस्ट इन द फर्स्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश। उसने स्कूल के बारे में लिखा कि स्कूल में उसने क्या क्या किया, द टेस्ट वॉज टफ एंड लॉन्ग बट आई फिनिश्ड इट जस्ट इन टाइम, आई होप दैट आई स्कोर वेल इन इट, आफ्टर दैट आई प्लेड बास्केटबॉल इन द पीटी पीरियड फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, दैट वॉज फन एंड टायरिंग, इन द साइंस क्लास आई लर्न अबाउट द वॉटर साइकिल एंड हाउ रेन अकर्स इन नेचर, इट वॉज फैसिनेटिंग, now I have to draw a diagram of a water cycle for my science homework. Now what has Jaya written? Jaya has written the whole thing, whatever she did in the school, whatever she learned, whatever the homework was given to her, or whatever the exercise or the PT class, she games class, she did it. So यहाँ पर सारा उसने अपने school का routine लिखा है। तो आप भी ऐसे ही एक diary बनाइए, रोज के रूटीन में आप स्कूल की बातें भी लिख सकते हैं, घर की बातें भी लिख सकते हैं, फ्रेंड्स की बातें भी लिख सकते हैं, डेट डाल के, टाइम डाल के, ठीक है। राइट डायरी एंट्रीज फॉर द 7 days ऑफ योर फर्स्ट विजिट टू हिल स्टेशन। आप तो रहते ही हिल स्टेशन में हैं, इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत पहाड़ों में। आपको इन्होंने हिंट्स दिए हैं, व्हाट यू पैक्ड, आप क्या क्या पैक करके साथ ले जाएंगे, हु यू वेंट विद, किसके साथ आप गए थे, When you started, कब आप चले थे, For how many days, कितने दिनों के लिए, The places you visited, कौन सी जगह आप गए, By car or bus, Weather there, कैसा मौसम था वहाँ,
हाउ यू एंजॉयड थिंग्स यू सॉ, पर आपने वहां जो चीजें थी उनको कैसे एंजॉय किया जो आपने चीजें वहां देखी, ठीक है। तो अब आप सबसे ये असिस्टेंट टीचर से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ये चीज आप समझाइए, ये टॉपिक जो है एक्सरसाइज जी का, कि वो 7 days के लिए किसी हिल स्टेशन में घूमने गए हैं और कैसे कैसे सामान पैक करके ले गए, विंटर क्लोथ्स ले गए, कैप, हैट, ग्लव्स, है ना, और वहाँ पर जाके क्या कहते हैं उन्होंने कौन सी जगह घूमी, तो ये सब मेंशन करना है। ये सब मेंशन करके एक डायरी नोट लिखना है और उसको आप सजा भी सकते हैं कि पीछे एक ड्राइंग बना के साइडों में कि हिल स्टेशन की, माउंटेन्स की, ट्रीज की, स्नो की, और फिर उसके बाद एक डायरी नोट लिख सकते हैं, क्योंकि डायरी नोट में आप अपनी तरफ से जो आपके साथ आपने वहाँ पर पूरे 7 दिन में किया वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये एक्सरसाइज कीजिएगा और फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।